तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोल रहे थे काफ़ी लोग डाइट वीडियो लाओ डाइट वीडियो लाओ, तो फाइनली आज बता रहा हूँ गेनिंग के लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोल रहे थे काफ़ी लोग डाइट वीडियो लाओ डाइट वीडियो लाओ, तो फाइनली आज बता रहा हूँ गेनिंग के लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो फुल डे ईटिंग का प्लान बताऊंगा मैं आपको कि मसल मास गेन करने के लिए सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो डाइट आपके लिए शेयर करूँगा, तो आप भी उसको यूज़ करके अपना मसल मास साइज गेन कर सकते हो। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल डाइट नहीं है, जो मैं यूज़ करता हूँ वही बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग मील से, जो कि होगा फर्स्ट मील हमारी। फर्स्ट मील होगी हमारी सुबह की, चार वाइट एग्स के साथ होगी और चार बनाना के साथ। फर्स्ट मील में आपको ये कंज्यूम कर लेना है। फिर आपको एक ग्लास मिल्क के साथ, अगर आप गेनर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आप गेनर नहीं लेते हो तो एक ग्लास मिल्क ही ले लो, वाइट मिल्क। तो फर्स्ट मील आपकी हो गई कम्प्लीट चार। इसीलिए आपको सेकेंड मील आपकी होगी दोपहर में, यानी कि लंच। आपको पहले तो लेना है अपना नॉर्मली जो आप खाते हो खाना, जो घर में अवेलेबल होता है, रोटी चावल वगैरह जो भी हो गया, ये सब आपका खा लेना है। फिर आपको ले लेना है, उसमें चिकन ऐड करना है, और हो सके तो आपको हाई प्रोटीन फॉलो करना है, ब्रोकली सब्जी वगैरह ट्राई करना है, जो भी आपका सब्जी वगैरह हो गया वो दोपहर के इसमें मील में ऐड ज़रूर करना है, फ्रूट्स हो गए काफ़ी सारे। तो ये सब आपको जो आप अच्छा लगता है वो चीज़ आप सेकेंड मील में ऐड कर सकते हो अपने फ्रूट वगैरह में। स्ट्रीट फूड की बात नहीं कर रहा मैं, जो नॉर्मली फल फ्रूट वगैरह वगैरह गुड फैट वगैरह ये जो भी आप खा सकते हो दोपहर में खा लेना चाहिए। और चिकन कंपलसरी, अगर आप चिकन नहीं खा सकते हो तो ब्रोकली ऐड कर सकते हो, ब्रोकली में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड मील हो गई यहाँ पर कम्प्लीट। बात करते हैं मील थ्री की, मतलब थर्ड मील, जो कि हो गया इवनिंग में, जो मैं जिम जाने से पहले लेता हूँ प्री वर्कआउट, जो कि आपको भी यूज़ करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको भी। तो सबसे पहले आते हैं क्या लेना चाहिए प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में आपको लेना चाहिए दो वाइट एग्स, जिससे कि आपकी एनर्जी मिले, आपको जिम में वर्कआउट करने के बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे सको, जो कि आप फील करोगे कुछ दिन बाद जैसे आप ट्राई करोगे। उसके बाद दो से तीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है वर्कआउट बिफोर वर्कआउट, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप तीन बनाना ले सकते हो, बिल्कुल तीन बनाना ले लेना। उसके बाद आ गया अपना एक कप कॉफ़ी, ये मैं यूज़ करता हूँ, ये तीन चीज़, एक कप कॉफ़ी जिम जाने से पहले, ये तीन चीज़ आप लेके जाओगे जिम प्री वर्कआउट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। तो ये थी मील थ्री। मील चार की फोर्थ मील, जो कि हो गया पोस्ट वर्कआउट। जैसे ही अपना वर्कआउट आप ख़त्म करोगे, जिम से बाहर निकलोगे, तुरंत आपको प्रोटीन की, हाई प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप अगर वे प्रोटीन परचेज़ करोगे तो बहुत अच्छा है, आई पर्सनली रिकमेंडेड। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप नॉर्मली घर के फूड में भी काफ़ी सारा प्रोटीन होता है लेकिन उतना खा नहीं पाते हैं, अगर आप खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं जिम से आता हूँ तो उसके बाद एक गिलास पानी पी लेता हूँ, उसके बाद तुरंत मेरा गेनर है, अभी तो मैं गेनर यूज़ कर रहा हूँ, आरसी मास गेनर, तो वो मैं ले लेता हूँ एक ग्लास मिल्क में। अगर लोगे तो थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होगा, अगर आप पानी में लोगे तो बेहतर डाइजेस्ट होगा। मैं ज़्यादातर तो वाटर में ही लेता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, तो आपके हिसाब से आप देख लेना। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप मिल्क में ले सकते हो, अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप वाटर में कंज्यूम कर सकते हो, तो आपके हिसाब से आप देख लेना। तो जैसे ही मैं आता हूँ जिम से, अपना गेनर पाउडर ले लेता हूँ, उसके तुरंत ही बाद थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, एक 10 मिनट्स वेट करता हूँ। उसके बाद नॉर्मली जो मैं फूड है, थोड़ा फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ, सेब हो गया, जो भी फ्रूट में आपको जो पसंद है वो आप खा सकते हो, तो मैं थोड़ा सेब वगैरह खा लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ 30 मिनट। उसके बाद मैं खाता हूँ रात का खाना, जो कि नॉर्मली 100 ग्राम राइस और एक रोटी, ख़त्म हो गया मेरा ये पर डे की मेरी, दिन में मैं इतना खाता हूँ, तो बहुत नॉर्मल है, आप लोग भी खा सकते हो, अपनी डाइट फॉलो कर सकते हो। अगर ये डाइट आप भी फॉलो करोगे तो आप एकदम लीन गेन करोगे लाइक प्रो। अगर किसी को अच्छा लगा तो ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगा तो अपनी दुकान कहीं, मतलब जो भी
हेटर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी कमेंट में अपनी दुकान लगाते हैं, तो अपनी दुकान कहीं और लगाए। ऐसी पर्सनैलिटी बना के अगर अपनी दुकान लगाओ ना, तो मैं भी बोलूँ कि राइट है बंदा, तो चलो ठीक है, अब जिसको पसंद आए ठीक है, जिसको पसंद नहीं आया वो लोग को टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।